मुझे अचानक से, जब से मैंने होश संभाला है, बचपन में छोटा था तब से होश संभाला है, जब अचानक से मुझे कुछ सोते समय बहुत तेज़ नींद आती है। कहीं बैठा होता हूँ, मंदिर में रहता हूँ वैसे मैं, तो सोते सोते मतलब एकदम नींद आ जाती है, वो शरीर ऐसा हो जाता है, मैं उठने का प्रयास करता हूँ तब मैं उठ नहीं पाता हूँ, और मैं सोचता हूँ किसी को हिलाऊं या इनका। आपका शरीर सोने में दब जाता है, आपके पिता को भी ऐसा ही होता था जी, बोलो है ना। हाँ, साथ ही आप मानसिक डिप्रेशन में, शरीर पर शक्ति है, काजल देवी मायके में बैठी है जी, तनाव बना है, पुनर्विवाह करना है ऐसा आपका मन में संकल्प नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी चाह रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, उनके पीछे आपका एक साधु है वो इंटरफेयर करता है, घर वालों को बिचका देता है, जतिन उर्फ विमल कुकू नाम का साधु जी, साथी सरोज और राजेंद्र जी जी, ये सब मिलजुल करके राकेश शर्मा आदि मिलकर लड़की को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं, नियत खराब है, धन संपत्ति लूटना चाहते हैं, उनके विचार मन में अच्छा नहीं है जी, वो दबाव लेकर के आपकी पत्नी को ले गए हैं जी जी, बोलो है ना जी, चढ़ाव उतार में। और गुरु जी ये समस्या मेरे साथ मेरी पत्नी को भी होने लगी थी, मैं बोल तो रहा हूँ, बुआ जी है और एक है। मेरी सिस्टर है उसको भी होती है, पूरा घर परेशान है, और आज अभी मेरी छोटे भाई की शादी हुई है, उसकी वाइफ को भी आज घर पे कोई प्रेतवादा ने परेशान किया, हालांकि हम मंदिर में ही रहते हैं, पूजा पाठ का ही काम है हमारा, गुरु जी बहुत परेशान है, कभी कोई लीजिए, हमने जो उपाय लिखा है उसको कर लीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जी। पत्नी मेरी आएगी, आएगी, दौड़ेगी, नचेगी जी, मतलब आपके संग अच्छे से। मुझे यहाँ आने से पहले विश्वास था पंडों का सरकार पे, इसी प्रयास से आया था, कहते हैं हनुमान जी कलयुग के वो राजा है जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात दुम्पाही। इस संसार में सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी कृपा से ना हो, क्योंकि मैं आज यहाँ तक आया हूँ तो हर किसी से लड़कर भिड़कर आया हूँ कि बस नहीं, मेरा मन नहीं मानता था, इसीलिए मुझे पता था यहाँ पंडों का धाम में आके मुझे न्याय मिलेगा, और बालाजी मेरी सुनेंगे, चिंता मत करो, आशा घबराओ मत।